दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बुल्स तो कई देखे होंगे जो आमतौर पर खेतों में काम करते हुए या फिर वजन को ढोते होते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बुल्स से मिलवाने वाले हैं जिनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े बुल्स में की जाती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें हम आपको दुनिया के 10 ऐसे बुल से रूबरू कराएंगे जिनकी लंबाई और विशालकाय बॉडी को देखकर यकीन मानिए आप भी पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे। नंबर 10, ब्राह्मण बुल। दुनिया के सबसे बड़े बुल्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर ब्राह्मण बुल का नाम आता है, जो कि हमारे देश भारत में पाई जाने वाली बुल की एक प्रजाति है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण बुल को कैमल बुल कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर निकला ये कूबड़ बिल्कुल किसी ऊंट की तरह ही दिखाई देता है। और आप इस बात को जानकर दंग रह जाएंगे कि ब्राह्मण बुल भी बिल्कुल किसी ऊंट की तरह अपने कूबड़ में करीब एक सप्ताह तक का खाना पीना स्टोर करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से ये काफी गर्म वातावरण में भी बड़ी ही आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। ब्राह्मण बुल की यही खासियत इन्हें दूसरे बुल्स की तुलना में काफी अलग बनाती है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि इनके शरीर का आकार काफी बड़ा होता है, इसके साथ ही इनकी बॉडी काफी पावरफुल भी होती है। इतना ही नहीं, इस प्रजाति में जहां एक फीमेल का वजन 500 से 600 किलोग्राम तक होता है, तो वही मेल बुल का वजन करीब 1100 किलो के आसपास होता है। नंबर 9, माउंट बेलियाडे बुल। ज्यादातर फ्रांस में पाई जाने वाली इस ब्रीड की लंबाई लगभग 4 फीट तक होती है, और इस प्रजाति में जहां फीमेल का वजन 600 से 700 किलोग्राम तक होता है, तो वही मेल बुल का वजन 900 से 1200 किलो तक हो सकता है। इतना ही नहीं, माउंट बेलियाडे बुल का इस्तेमाल आमतौर पर फार्मिंग के कामों के लिए किया जाता है, जबकि इस नस्ल की फीमेल को मुख्य रूप से डेयरी फार्मिंग के लिए पाला जाता है। और आप इस बात को जानकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे कि इस नस्ल की फीमेल एक साल में करीब 2000 गैलन दूध देने की क्षमता रखती है, जो किसी दूसरी फीमेल की तुलना में कहीं अधिक है। और इस दूध का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर चीज के साथ साथ और भी कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 8, जर्मन एंगस बुल। जर्मन एंगस बुल की प्रजाति को सबसे पहले साल 1950 में खोजा गया था, जो एबरडीन एंगस बुल और लोकल जर्मन काऊ की क्रॉस ब्रीड है। आमतौर पर जर्मनी में पाई जाने वाली इस ब्रीड में फीमेल की लंबाई लगभग 4.5 फीट तक होती है, और इनका वजन करीब 550 से 700 किलोग्राम के आसपास होता है, जबकि मेल की लंबाई करीब 4.7 फीट तक होती है, और इनका वजन 1000 से 1200 किलो तक बढ़ सकता है। तो वही जर्मन एंगस बुल की सींग नहीं होते, और इनके शरीर में मौजूद मांस में फैट की मात्रा काफी कम होती है। इतना ही नहीं, लुक्स के मामले में बेहद ही अट्रैक्टिव होने वाले इन बुल्स को काफी शांत और साधारण नेचर के लिए जाना जाता है। नंबर 7, बेल्जियन ब्लू बुल। बेल्जियम में पाए जाने वाले बेल्जियन ब्लू बुल को अगर किसी बॉडी बिल्डर की उपाधि दी जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने जबरदस्त मसल्स के लिए जाने जाते हैं। लगभग 4.7 से 4.9 फीट तक की लंबाई और करीब 1100 से 1250 किलोग्राम तक के वजन वाले बेल्जियन ब्लू बुल के मसल्स नेचुरल नहीं होते, क्योंकि जब इनका जन्म होता है तो इनके बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी मसल्स नहीं होते, लेकिन जन्म के 6 से 7 सप्ताह के बाद ही जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इनके अंदर धीरे धीरे मसल्स इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और कुछ ही समय बाद इनकी बॉडी पूरी तरह से मस्कुलर बन जाती है। इतना ही नहीं, बेल्जियन ब्लू बुल का बैक बाकी के दूसरे बुल्स के मुकाबले काफी मजबूत और अधिक चौड़े होते हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी ये अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और अपनी ही दुनिया में मग्न रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि बेल्जियन ब्लू बुल की एक खासियत इन्हें दूसरे बुल से बिल्कुल जुदा बनाती है। नंबर 6, साउथ डेवन बुल। इस वीडियो में आइए अब आपकी मुलाकात साउथ डेवन बुल से कराते हैं, जो पूरे यूके में न सिर्फ सबसे बड़े बुल में से एक के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, बल्कि मीट और मिल्क दोनों के प्रोडक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, आप इस बात को जानकर पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे कि साउथ डेवन बुल को काम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो लगातार 12 साल तक काम करने की काबिलियत रखते हैं।
और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये जितना काम करते हैं इनकी बॉडी उतनी ही मजबूत बनती चली जाती है। और अब अगर बात की जाए साउथ डेवन बुल के साइज की, तो एक तरफ जहां इस प्रजाति की फीमेल का वजन लगभग 800 किलो तक होता है और लंबाई करीब 4.5 फीट के आसपास होती है, तो वहीं दूसरी तरफ मेल की लंबाई करीब 4.9 फीट तक हो सकती है, जबकि इनका वजन 1200 से 1500 किलो तक बढ़ सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि अब तक के रिकॉर्ड में इस प्रजाति के कुछ बुल्स का वजन लगभग 1996 किलोग्राम तक भी पाया गया है। नंबर 5, पार्थेनेस बुल। दुनिया के सबसे बड़े बुल्स में से एक के रूप में अपनी पहचान रखने वाली पार्थेनेस बुल की प्रजाति हाई क्वालिटी की मीट और दूध के लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं, इनकी गिनती फ्रांस की सबसे पुरानी बुल्स की प्रजाति में से एक के रूप में की जाती है। इस प्रजाति के मेल बुल की लंबाई लगभग 5 फीट तक होती है और वजन करीब 1100 किलो के आसपास होता है, जबकि फीमेल की लंबाई तकरीबन 4.7 फीट तक होती है और इनका वजन 800 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। तो वही पैरेंथेनेस बुल की हड्डियां दूसरे बुल्स की तुलना में अधिक मजबूत होती है, जिसकी वजह से ये सूखी जमीन पर भी बड़ी ही आसानी से काम कर सकते हैं। जबकि इस नस्ल की फीमेल दूसरी ब्रीड के मुकाबले काफी अधिक दूध देती है, जिसका एक्सपोर्ट पूरे फ्रांस में किया जाता है। नंबर 4, इंडोनेशियन सिमेंटल बुल। आमतौर पर स्विट्जरलैंड में अधिक संख्या में पाए जाने वाले इंडोनेशियन सिमेंटल बुल की लंबाई लगभग 4.9 से 5.2 फीट के आसपास होती है और इनका वजन करीब 1300 किलो तक बढ़ सकता है, जबकि इस प्रजाति की फीमेल की लंबाई 4.4 से 4.9 फीट तक होती है और इनका वजन 700 से 900 किलोग्राम तक हो सकता है। इतना ही नहीं, इनकी बॉडी का साइज पूरी तरह से इनके खाने के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऐसे में जो लोग इस प्रजाति के बुल को अधिक बड़ा मानते हैं, उन्हें इन बुल्स के खाने पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। इंडोनेशियन सिमेंटल बुल में आमतौर पर हमें दो तरह की ब्रीड्स देखने को मिलती है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मिल्क एंड मीट दोनों के लिए ही किया जाता है। हालांकि इन दोनों नस्ल के शरीर के ऊपर एक जैसे ही सफेद रंग के धब्बे बने होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक जैसे ही दिखाई देती है। नंबर 3, मेन आंजो डे प्रेस बुल। वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल की इस लिस्ट में अगला नाम मेन आंजो डे प्रेस बुल का है और बुल की इस प्रजाति का नाम फ्रेंच के आंजो सिटी से लिया गया है। इस ब्रीड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी मांसपेशियां बाकी के दूसरे बुल्स की तुलना में प्राकृतिक रूप से काफी तेजी से बढ़ती है, जिसका सबसे अधिक फायदा किसानों को होता है, क्योंकि इनकी मदद से किसान अपने खेतों में बड़ी ही आसानी से काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन बुल्स का अधिकतर इस्तेमाल हार्वेस्टिंग के काम में लिया जाता है, क्योंकि ये इस काम को बड़ी ही तेजी से पूरा करने में काफी मददगार साबित होते हैं। मेन आंजो डे प्रेस बुल की लंबाई लगभग 5.11 फीट के आसपास होती है और इनका वजन तकरीबन 1250 किलो तक होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि इस प्रजाति के फक्कड़ नामक बुल का वजन 1950 किलोग्राम तक मापा गया है, जिसे साल 2016 में हुए पेरिस इंटरनेशनल एग्रीकल्चर शो में पाया गया था और इस बुल के नाम पर दुनिया का सबसे वजनदार बुल होने का ऑफिशियल रिकॉर्ड भी दर्ज है। नंबर 2, चियानीना बुल। अब जरा एक नजर चियानीना बुल के ऊपर भी डाल लीजिए, जो इटालियन बुल्स की प्रजाति है और खास तौर से इटली में ही पाई जाती है। लगभग 6 फीट तक की लंबाई और करीब 1600 किलोग्राम तक के वजन वाले ये बुल दुनिया के सबसे बड़े बुल्स में से एक माने जाते हैं। इनकी सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब इनका जन्म होता है तो इनकी बॉडी का कलर पूरी तरह से ब्लैक या फिर किसी और कलर का होता है, लेकिन जन्म के करीब 30 से 260 दिनों के बाद ही इनकी बॉडी का कलर चेंज होने लगता है और आखिरकार ये पूरी तरह से व्हाइट कलर में तब्दील हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी स्किन इतनी टफ होती है कि चाहे ठंडी हो या गर्म, ये किसी भी मौसम में बड़े ही आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। नंबर 1, सिबी भागनारी बुल। दुनिया के सबसे बड़े बुल्स की लिस्ट में पहले पायदान पर जिन बुल का नाम आता है उन्हें सिबी भागनारी बुल के नाम से जाना जाता है, जो खास तौर से पाकिस्तान में पाए जाते हैं। लगभग 7 फीट की लंबाई और करीब 1600 किलो तक के वजन वाले इन बुल्स के ऊंचे और ताकतवर शरीर को देखकर ही इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बुल्स में से एक माना जाता है। सिबी भागनारी बुल के गर्दन के ऊपर भी ब्राह्मण बुल की तरह ही कूबड़ मौजूद होता है,
लेकिन इन दोनों की गर्दन में हमें काफी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी गर्दन ब्राह्मण बुल की तुलना में अधिक मजबूत और दमदार होती है, जो इन्हें ब्राह्मण बुल के साथ साथ दूसरे कई बुल्स के मुकाबले काफी खास बनाते हैं। इनकी इसी खासियत की वजह से पाकिस्तान के सालाना उत्सव में इन्हें प्रदर्शित भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।